आज का दिन अच्छा रहा क्योंकि पहले G5 के चिंटू के बर्थडे एक वर्थवॉच मूवी निकली और अब नेटफ्लिक्स के चोक्ड भी एक वन टाइम वॉच मूवी जरूर है। और फाइनली आफ्टर मिसेस सीरियल किलर और बेताल जैसे कैंसर्स देने के बाद नेटफ्लिक्स ने कुछ अच्छा दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज अनुराग कश्यप की डायरेक्टोरियल मूवी चोक्ड पैसा बोलता है मूवी की। और इसी के साथ कुछ सवाल भी आते हैं, जैसे कि मूवी कैसी हुई है, क्या अनुराग कश्यप अपने ही स्टैंडर्ड को टच कर पाए हैं या नहीं, और हमें इस मूवी से कैसी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो कैसे हो यार, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मूवी को लेकर सभी की व्यूज डिफरेंट होगी। इसलिए नहीं क्योंकि मूवी एक्चुअली में कैसी हुई है, स्टोरी लाइन क्या है या फिर डायरेक्शन कैसी हुई है, बट इसलिए कि किसी को इसमें पॉलिटिकल एजेंडा दिखेगा तो किसी को नहीं। पर्सनली मैं एक मूवी को एज अ मूवी के हिसाब से ही जज करता हूँ। अब एक गधे को अगर उड़ते हुए दिखाया जाएगा किसी मूवी में तो इसका मतलब यह तो नहीं कि असली में वो गधा उड़ सकता है। खैर जो भी हो, पॉलिटिकल बातों को रखते हैं दूर और फोकस करते हैं मूवी के बेस पर, जो कि ऑब्वियसली दिखाता है सरिता और सुशांत के रिलेशनशिप और उनके स्ट्रगल को। आई फील कि चोक मेनली फोकस करता है सरिता के कॉन्फिडेंस और उनके रिलेशनशिप पर, जो कि पास्ट में हुए किसी इंसिडेंट के कारण चोक्ड हो गई है या फिर बोले तो बिगड़ गई है। और थ्रू आउट द मूवी हमें पता चलता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पैसा बोलता है। जब उनके घर में सारी बातें पैसे से ही शुरू होती है और पैसे पे ही खत्म होती है, बट एट द एंड जब सरिता रियलाइज करती है कि पैसा किसी का नहीं होता, तब अचानक से उसका कॉन्फिडेंस लौट आता है और इवन सुशांत के साथ उसका रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाता है। और इसी चीज को अचीव करने के लिए हमें बेसिक टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलता है और उनके वेरियस बिहेवियर्स भी। कास्ट की तरफ ध्यान दे तो सायमी खैर एस सरिता और रोशन मैथ्यूज एस सुशांत इन द लीड्स हमको दिखने को मिलते हैं। और आप बिलीव करो मेरा, सायमी खैर ने राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मूवी टिल द एंड इस मूवी को अपने अकेले के कंधों पे उठाया है, जिसका की क्रेडिट इनको मिलना ही चाहिए। और इनके अलावा सुशांत के रोल में रोशन मैथ्यू हमें बहुत अच्छे दिखते हैं स्क्रीन पर, और ऑब्वियसली इनके अलावा भी सारे कैरेक्टर्स एवरेज हैं और नथिंग लाइक मेंशनिंग। अब मूवी की पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए इस मूवी में दिखाया गया सार्कैज़म। आई गेट इट, सबको समझ नहीं आया होगा और इसलिए चिल्ला रहे होंगे कि मूवी अच्छी नहीं बनी है। हाँ ऑब्वियसली अनुराग कश्यप अपने मोटो को भी जरूर जाहिर किया है, बट कमऑन यार, यह मूवी है, थोड़ा क्रिटिसिज्म तो सभी दिखा सकते हैं। प्लस गाना, इन क्रेडिट के टाइम वाला गाना हो या फिर इन बिटवीन वाला सैंपल्स, सभी मुझे बहुत ही अच्छे लगे, गिवन कि कुछ हद तक इसमें भी क्रिटिज्म को छुपाया गया था। बट हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक और फॉली साउंड की बात करें तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठती है, ऑन पॉइंट लगी मुझे। ट्रांजिशन और कैमरा वर्क भी बहुत ही शानदार लगा मुझे, गिवन कि अनुराग कश्यप की दूसरी मूवी की तरह यह मूवी अपने ओपन एनवायरनमेंट में नहीं थी। मूवी की मोस्ट ऑफ द सीन्स एक छोटी सी मिडिल क्लास के चाल में बेस्ड है, बहुत कम दिखाने को रहता है ऐसे एक छोटे से रूम में, बट जितना भी दिखाया है एनफ है। मिडिल क्लास पीपल के स्ट्रगल को एवरेजली डिपिक्ट भी किया गया है, जो कि मुझे अच्छा लगा। अब आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मूवी में कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एट पॉइंट मूवी कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा लैग करने लगती है, स्ट्रेची लगने लगती है। और क्योंकि ट्रेलर में ही मूवी की मेन ट्विस्ट को भी रिवील कर दिया गया है, मूवी में कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड देखने को रहता नहीं है और आप वेट करते हो कि वह वाला ट्विस्ट कब आएगा और उसके आते ही क्या होगा, जिससे कि मूवी स्ट्रेची लगने लगता है। तो मेरे हिसाब से तो मूवी को और थोड़ा कॉम्पैक्ट करना चाहिए ही था। इसके अलावा मूवी फाइन थी, नो मैटर आप किस साइड के हो, आप यह मूवी को एज अ मूवी कम्प्लीटली इंजॉय कर सकोगे। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि इस मूवी को एक बार तो जरूर देखें, चोक एक वन टाइम वॉच मूवी तो जरूर ही है। तो यह था मेरा रिव्यू, एनालिसिस और ओपिनियन इस नेटफ्लिक्स के मूवी चोक पैसा बोलती है की। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या अनुराग कश्यप ने अपने इस पॉलिटिकल एजेंडा को इस मूवी में दिखाया है या फिर नहीं। तो मेरा यह रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दे लाइक, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, सब्बा केयर।